हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, आप लोगों को पता है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। जानेंगे फ्यूचर के टारगेट क्या है, आने वाले टाइम में किस तरीके का परफॉर्मेंस ये कर सकता है, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो लोग अभी तक इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है उनको क्या करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन आपको गजब की तेजी डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर में देखने को मिल रही है। लगभग 5.45% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। 226 पॉइंट का एक ही दिन में मोमेंटम इस स्टॉक ने गेन कर लिया है। दोस्तों, आप लोगों ने अगर इसको ट्रैक किया है पिछले 1-2 साल से, तो आप लोगों को पता होगा कि ये जब भी चलता है तो इसी तरीके का मोमेंटम दिखाता है। दोस्तों, स्टॉक को चलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन चाहिए। वो आपको 30 से 40% के रिटर्न 1-3-4 दिनों में ही प्रोवाइड करा के दिखा सकता है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है स्टॉक मार्केट में, केवल अच्छे स्टॉक पिक करने हैं, उनको लंबे समय के लिए छोड़ देना है, क्योंकि लंबे समय में आप लोग आराम से बहुत बढ़िया रिटर्न बना सकते हैं। तो बिना कोई टेंशन लिए अच्छे स्टॉक पिक करिए, उसके बाद उनको टाइम दे दीजिए, वो अच्छा पैसा बना के दिखाएंगे। उन्हीं स्टॉक्स में से एक डिक्सन टेक्नोलॉजी है। मैंने कई बार इसके बारे में बताया है, बहुत नीचे के लेवल से बताता आ रहा हूँ। जिन लोगों के पास होगा ऑलरेडी, वो अच्छे खासे रिटर्न बना चुके होंगे, और जिन लोगों को लेना है वो लोग अभी ले सकते हैं इस स्टॉक को, क्योंकि अभी भी आप लोग देख सकते हैं ऑल टाइम हाई 4,735 का है, और अभी ये स्टॉक 4,400 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो जब ये अगर थोड़ा सा गिरता है या फिर हम लोगों को देखने को मिलता है, प्रेजेंट टाइम भी काफ़ी बेहतरीन लेवल पे ये देखने को मिल रहा है, तो आप लोग जो लोग इन्वेस्टेड नहीं है उनको जरूर इस स्टॉक में खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिना बिजनेस जाने आपको कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बिजनेस की बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजी की, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाती है, जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन हो जाए या टीवी हो जाए, मशीन्स वगैरह हो जाए, आप लोगों को देखने को मिलता है सिक्योरिटी डिवाइसेस हो जाए, कैमरा हो जाए, इन सब चीज़ें जो बनती हैं बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलके बनती हैं। तो ये जो स्मॉल कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इसका फ्यूचर मुझको बहुत ब्राइट लगता है, हाई ग्रोइंग कंपनी है, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मार्केट कैप बना के दिखा सकती है। अभी आप लोग देखेंगे 25,000 करोड़ के आसपास की कंपनी आपको देखने को मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप लोग इस कंपनी में काफ़ी बढ़िया रुपए बना सकते हैं, क्योंकि इसने पास्ट ईयर में इस चीज़ करके दिखाई है। अगर आप लोग 6 महीने की रिटर्न प्रोफाइल देखेंगे तो इस स्टॉक ने लगभग 19% की तेजी आपको दिखाई है। अगर हम लोग बात करें 2021 की, तो 2021 में ही 61% के रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दे दिए। मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं, जितना टाइम आप लोगों ने इस स्टॉक को दिया उतना ही अच्छे रिटर्न इस स्टॉक ने आपको दिए। अगर हम लोग बात करें 1 साल के रिटर्न की, तो 1 साल में 160% की तेजी, मतलब कि गजब का मोमेंटम पिछले 1 साल में आपको दिखा दिया इस स्टॉक ने। तो अगर जब कोई स्टॉक ऑलरेडी 1 साल में 160% की रिटर्न दे चुका है, तो उसको थोड़ा सा गिरावट या फिर कंसोलिडेशन फेज उसका भी आता है, वापस से वो बाउंस बैक करता है। उसके बाद अगर हम लोग 5 साल की रिटर्न प्रोफाइल देखें, 5 साल के अंदर इसे स्टॉक ने 725% की रिटर्न दे दी, मतलब कि आपके पैसे को लगभग 8 गुना कर दिया है। बहुत गजब का स्टॉक है, आने वाले टाइम में आपको ये स्टॉक 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना, 100 गुना पैसा करके दिखा सकता है। बहुत से लोगों के माइंड में होता है कौन से स्टॉक हैं जिन्होंने पैसा 100 गुना करके दिखाया। दोस्तों, आप लोग अगर मार्केट में देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक मिलेंगे, चाहे वो पिडलाइट हो, बजाज फाइनेंस हो, टाटा एलेक्सी हो, बालकृष्ण इंडस्ट्री हो, आईचर मोटर हो, एल्किल अमाइन हो, दीपक नाइट्रेट हो, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने ये काम करके दिखाया है। तो आप लोग भी अगर आने वाले 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्टेड कर रहेंगे, तो आप लोग भी 100 गुना पैसा बना सकता है। तो आप लोग भी अभी से इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि लंबा टाइम पीरियड आप लोग किसी स्टॉक में होल्ड कर सकें। अगर हम लोग कंपनी के फंडामेंटल की बात करें, तो कहीं कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। कंपनी पर डेप्थ मात्र 156 करोड़ के आसपास का है। वहीं कंपनी के पास अगर हम लोग रिजर्व चेक करें, कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व हैं, 726 करोड़ के आसपास का रिजर्व कंपनी के पास ऑलरेडी मौजूद है। तो अच्छा खासा रिजर्व है, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से डेप्थ फ्री कंपनी आपको ये देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो आप लोग देख सकते हैं पिछले 5 सालों से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 36% के सीएजीआर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम लोग बात करें पिछले 3 साल से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 38% के सीएजीआर से ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है, और ट्रेडिंग 12 मंथ में भी आप लोग देखेंगे कि कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है, और 79% की ग्रोथ
इस साल भी इस कंपनी ने दिखा दी है। आप लोग देख सकते हैं गजब का, पिछले 3 साल से रिटर्न दिए हैं, हर साल पैसा दोगुना किया है, 100% के रिटर्न आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग ऐसी ही कंपनियों में इन्वेस्टेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा, इसमें कोई भी शक की बात नहीं होगी। इसीलिए जो कंपनी कंटिन्यूअसली अपने प्रॉफिट में जंप दिखा रही हो, कंटिन्यूअसली उनका सेल्स बढ़ रहा हो, ग्रोथ हो रही हो कंपनी की, और उनका फंडामेंटल बहुत अच्छा, मतलब कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा हो, तो उन कंपनियों को कभी भी हाथ से मत निकलने दीजिए, क्योंकि ऐसी कंपनियां बहुत कम टाइम में आपको सस्ती मिलती हैं। आप लोग देख सकते हैं इस स्टॉक की भी बात करें, तो आप लोग देखेंगे पिछले 5 साल में कितना ज़्यादा ग्रोथ आ गई है। 531 रुपये का स्टॉक हुआ करता था 2017 में, आप लोग देख सकते हैं, और आज ये स्टॉक का प्राइस 4,390 है। मतलब कि अगर आप लोग ने यहाँ लिया होता तो आप लोग कितनी क्वांटिटी ले सकते थे, और अभी ये स्टॉक कितने गुना परसेंटेज दे चुका है। और आने वाले टाइम में आपको बहुत जल्दी ये स्टॉक 10,000, 20,000, 50,000 का भी होता हुआ दिखाई देगा, तो इन टाइम भी आप लोग देखेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोग ले लेंगे तो आप लोग के लिए फायदा है, और तभी आप लोग भी अच्छा अमाउंट पोर्टफोलियो में देख सक पाएंगे। तो इस वीडियो में मेरे बताने का मकसद यही था कि कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं स्टॉक मार्केट में, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां जो होती हैं, जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी है, ये कंपनियां आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा मुनाफा करके दिखा सकती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के साथ, जिससे आप लोग भी आसानी से स्टॉक मार्केट में वेल्थ बना सकें, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय।